Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. आज भारतीय जनता पार्टी शहर की तरफ से जो संविधान संशोधन अधिनियम नीचे का चालू हुआ है, इसको लेकर के जो विभिन्न भ्रांतियां फैली हुई थी, तो हमने प्रेस के माध्यम से विभिन्न समाजों से और जनता से निवेदन किया है कि इसको भ्रांतियों को न आकर के और गुमराह न होते हुए जो हम इसको लेकर के जन जागरण भी कर रहे हैं और जो बताना चाह रहे हैं कि जो विभिन्न जातियों को लेकर के और मुस्लिम समाज को लेकर के जो गुमराह किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस एक्ट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि मुस्लिम समाज इस एक्ट से भयभीत हो। जो यहाँ पर बसा हुआ है वो यहीं रहेगा और जो बाहर से आए हुए हैं उनके भी अगर वो पात्रता को पूरी करते हैं तो वो भी यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, ऐसा इस नियम में, इस अधिनियम में है। इसको लेकर दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा आज मुख्य था कि जो कोटा के जेके लोन अस्पताल में 104 बच्चों की मृत्यु आज तक हो गई है और जो राज्य में सरकार है कांग्रेस की, इसके जो हमारे नेता हैं अशोक गहलोत जी और जो हमारे चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा जी, इनने आज तक भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और न जाकर के वहाँ अस्पताल में देखना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ व्यवस्था कैसी है। अगर चाहते तो ये जो 104 का आंकड़ा हुआ ये शायद 20-25 पे रुक जाता अगर अब तक एक्शन ले लिया जाता और जो वहाँ पर बच्चे भर्ती हैं उनको अगर शिफ्ट कर दिया जाता विभिन्न दूसरे अस्पतालों में, तो जो संक्रमण से या अन्य किसी वजह से जो बीमारी फैली वो शायद रुक जाती और इतने बच्चों की मृत्यु नहीं होती आज तक। वो कोई दूसरे देश नहीं थे और बंटवारा उन लोगों की मर्जी से नहीं हुआ जो लोग उस भूभाग पर रहते थे, बंटवारे के उस हिस्से में रहते थे। अजमेर दक्षिण से विधायक बहन अनिता जी, हमारे नव निर्वाचित हमारे शहर जिला अध्यक्ष, वास्तव में चाहे हम जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, धीरे धीरे इन देशों की परिस्थितियां इतनी कट्टरतम पहुंच जाएंगी कि हमारा जीवन दुश्वार हो जाएगा। इसलिए भारत का ये कर्तव्य है, भारत की संसद का ये पटल पर सिखों के लिए उन्होंने ये बात कही थी। आज वो इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए अपने बयानों से पलट रहे हैं। इसलिए ये नागरिकता संबंधी जो महासचिव है प्रियंका वाड्रा, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं उन सबसे लगता है कि उनके लिए देश हित नहीं है। भारत में सदा से ही लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह से बचाया जाए और वो शरण लेने के लिए यदि यहाँ आए हैं तो वो शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो उनको नागरिकता देना हमारा परम कर्तव्य, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। और ये बात स्वयं बना करके अपना अपलोड करना था कि मैं इस बूथ संख्या से कल जन जागरण की शुरुआत करूंगा, घर घर डोर टू डोर इसका जन जागरण करूंगा कि संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। इसको लेकर के सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ने एक छोटा वीडियो विभिन्न साइटों पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे सरकार के हमारे स्टेट के जो भारतीय जनता पार्टी की साइट है उस पर और हमारे जो अजमेर की साइट है इन पे सब पे अपलोड किया। दूसरे स्टेप में ये था कि अगला स्टेप हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न मंडलों में, जैसे हमारे शहर के 6 मंडल और किशनगढ़ के 6 मंडल, इन सभी में एक बड़ी संगोष्ठी